हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर डियर मैथ में। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 5 आर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि हमारी समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी जो आर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एपी बच्चों, तो ये क्या होती है, ये होती है कि कोई भी एक ऐसी श्रेणी, कोई भी एक इस प्रकार की श्रेणी हम लेते हैं जिसकी श्रेणी के दो टर्म का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है, हमेशा बराबर होता है। कोई ऐसी समांतर श्रेणी जिसके दो पदों का अंतर हमेशा कैसा होगा, आपस में बराबर होता है। आइए बच्चों इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये समांतर श्रेणी, एक श्रेणी दी हुई है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये श्रेणी जो है हमारी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसे कैसे देखेंगे, देखो एक बच्चों होता है हमारा सार्वांतर, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं डी से, जिसे डिनोट करते हैं डी से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सार्वांतर क्या होता है। सार्वांतर का मतलब हुआ, इसका मीनिंग इससे पता चल रहा है, सार्व का मतलब है सबका और अंतर का मतलब हुआ अंतर, यानी कि सबका अंतर समान, वही तुम्हारी क्या होगी आर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी होगी। तो सार्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं, सार्वांतर ज्ञात करने का ये फार्मूला होता है a2 - n1, यानी कि जो हमारा अगला टर्म है उसमें से पहले टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, हमारी सार्वांतर होगी। अगर सार्वांतर सभी टर्म का इक्वल आता है तो वो हमारी श्रेणी कौन सी श्रेणी होगी बच्चों, तो वो श्रेणी होगी हमारी समांतर श्रेणी। आइए बच्चों देखते हैं पहली श्रेणी जो कि हमारी दी गई है 1 2 3 4। हमने यहाँ पर देखा हमारे यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है 1 और a2 की वैल्यू दी हुई है 2 और a3 की वैल्यू a3 और a4 की वैल्यू यहाँ पर 4 डॉट 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 आगे दी हुई है। तो यहाँ से सार्वांतर अगर हम d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो a2 की वैल्यू हमारी देखते हैं, पहले इन दोनों टर्म में देख लेते हैं, सबसे पहला टर्म और सेकेंड टर्म में, तो क्या लिख लेंगे 2 सेकेंड टर्म में से, और कौन सा टर्म माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1, तो ये माइनस कर देंगे तो ये क्या आएगा हमारा 2 - 1 1 आएगा। आगे हम देखते हैं हमारा D1 जो सार्वांतर आया वो ये आया कि 1 और D को 2 में से हमने 1 को माइनस किया तो 1 बचा। ऐसे ही हम आगे देखते हैं ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म लेते हैं हम, तो हमारा D जो आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा अगला टर्म कौन सा है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे और माइनस क्या कर देंगे सेकेंड टर्म जो हमारा 2 है, तो 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या बचेगा 1। ऐसे आगे इसमें करते हैं इस वाले टर्म में 3 और 4 में, तो 3 और 4 में भी क्या होगा सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 3, तो -3 इक्वल किसके आएगा 1 के। तो हमने देखा यहाँ पर जब हमने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो हमारा सार्वांतर 1 आया, ऐसे ही अगले टर्म को माइनस किया तो भी 1 और उससे अगले टर्म को किया तो भी 1, तो हमारे सब में सार्वांतर जो था सबका अंतर वो क्या आया समान अर्थात 1 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो पहली श्रेणी दी हुई है 1 2 3 4 वो किसमें है RNAP में, किसमें आर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ये कौन सी श्रेणी हो गई समांतर श्रेणी हो गई। आइए बच्चों एक दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिया गया 100 70 40 10, इसको हमें देखना है कि ये जो हमारी श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था, सबसे पहले सार्वांतर निकाला था, अगर सभी टर्म का सार्वांतर जो है हमारा सेम आएगा तो हमारी श्रेणी कौन सी श्रेणी होगी समांतर श्रेणी। तो आइए बच्चों यहां पर देखते हैं दूसरे एग्जांपल में, दूसरे एग्जाम्पल में डी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म हमारा क्या है 70, सेकेंड टर्म हमारा दिया हुआ है 70, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 70, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 100, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 100, और 70 में से 100 में से 70 माइनस होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 30, और चूंकि हमें पता है 30 100 जो है हमारा ज़्यादा है माइनस का, इसलिए हमारा 30 किसका आएगा बच्चों माइनस का आएगा। अब अगला टर्म देखते हैं, अगला टर्म हमारा फर्स्ट टर्म हमने 100 और 70 लिया तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 70 और 40 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे 40 में से 70 को माइनस करेंगे, अगले वाले में से पहले वाले को माइनस किया जाता है सार्वांतर निकालने के लिए, तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 40 - 70, तो 70 में से 40 माइनस करेंगे ये भी माइनस का 30 बचेगा। अगला टर्म देखते हैं 10 में से 40 माइनस करते हैं तो यहाँ भी डी इक्वल किसके हो जाएगा 10 - 40, तो ये भी हमारा माइनस का 30 आएगा। तो हमने देखा जो हमारी सेकेंड श्रेणी दी हुई थी बच्चों उसमें क्या हुआ कि डी की वैल्यू जो है वो क्या आई -30, और सब में सार्वांतर समान आया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि हमारी जो ये श्रेणी दी हुई है 100, 70, 40 और 10 किसमें होगी RNAP लिख सकते हैं, ये भी हमारी कौन सी श्रेणी होगी समांतर श्रेणी होगी। उसी प्रकार बच्चों आपको आप इसका समांतर सार्वांतर निकाल कर इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, ये श्रेणी जो है वो हमारी कौन सी श्रेणी है
समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो हमें पता चला समांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों का अंतर अर्थात सर्वांतर जो होता है वो हमेशा समान होता है, और जिसे हम डिनोट किससे करते हैं, डी से करते हैं। आइए बच्चों समझ लेते हैं, प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, ए से, और सर्वांतर को किससे डिनोट करते हैं, डी से। अगर हम प्रथम पद को ए से डिनोट करें और सर्वांतर को डी से, तो हमारी जो श्रेणी बन जाएगी समांतर श्रेणी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी ए, प्रथम पद हो जाएगा ए और सेकेंड पद हो जाएगा ए प्लस डी, क्योंकि डी में ए में क्या ऐड कर देंगे, डी ऐड कर देंगे। और फिर हमारा जो अगला टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी, और अगला टर्म ए प्लस थ्री डी डॉट डॉट। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर दिया गया है प्रथम पद ए बराबर दो दिया हुआ है और सर्वांतर हमारे पास डी बराबर दिया हुआ है, कितना बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है थ्री, सर्वांतर हमारे पास थ्री दिया हुआ है, तब हमें इसकी एक समांतर श्रेणी बनाना है। प्रथम पद हमारे पास दो है और सर्वांतर थ्री, तो हमें क्या करना है बच्चों, एक समांतर श्रेणी जो है बनाकर दिखाना है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम बना लेंगे, सबसे पहले हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, टू टू हो जाएगा, और द्वितीय पद हमारा जो सेकेंड पद होता है वो ए प्लस डी होता है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है टू, और प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर थ्री है तो थ्री लिख देंगे कॉमा। फिर हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी, तो हमारा प्रथम पद की वैल्यू क्या है टू, और प्लस इंटू टू डी है तो टू और डी की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो टू डी टू और टेन, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास थ्री। फिर कॉमा लगाएंगे, अब क्या लिखेंगे ए प्लस थ्री डी की वैल्यू, तो थ्री डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पर टू दी हुई है प्लस, और थ्री डी क्या हो जाएगा थ्री इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है थ्री, और ये डॉट 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 सो ऑन, ऐसे हम इन्फिनिटी तक इसको निकाल सकते हैं बच्चों। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा टू, और थ्री और टू क्या हो जाएगा फाइव, कॉमा थ्री टू जा सिक्स, और सिक्स में टू ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एट, ऐसे ही थ्री थ्री जा नाइन, और नाइन में टू ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इलेवन डॉट डॉट डॉट। ये जो हमारी श्रेणी आएगी वो किस में होगी, आर एन ए पी, यानी कि समांतर माध्य, यानी कि समांतर श्रेणी होगी। कैसे पता चला हमें, अगर हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो भी हमारा 3 आएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो भी हमारा सर्वांतर कितना आएगा 3, और 11 में से 8 माइनस करेंगे तब भी हमारा सर्वांतर कितना आएगा 3। तो हमें पता चल गया इससे हमारी जो श्रेणी होगी वो किस में होगी, समांतर श्रेणी में होगी। आइए बच्चों अब हम क्या करेंगे, जो हमारी समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 है, आइए बच्चों उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 5.1 का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि हमें बताना है कि निम्नलिखित स्थितियों में, नीचे कुछ स्थितियां हमारे पास दी गई हैं जिसमें हमें बताना है कि इन स्थितियों में जो संबंध संख्याओं की सूची है, जो हमारे पास सूची दी हुई है श्रेणी, वो एपी आर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है या नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है कि हमारे पास एक स्थिति दी गई है क्या, कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, मान लेते हैं बच्चों कोई टैक्सी चल रही है रोड पर और जिसका किराया जो है हर एक किलोमीटर के बाद, हर एक किलोमीटर के बाद क्या होता है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये। आप कहीं जाते हैं और वहाँ पर जो टैक्सी है उसका किराया क्या है, पहले आप जब बैठे उस पर तो एक किलोमीटर की दूरी उस टैक्सी ने तय की, तो एक किलोमीटर की दूरी जो उसने पहली तय की उसका किराया है 15 रुपये। फिर आगे उन्होंने बताया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे, एक किलोमीटर जाएंगे तो किराया 15 रुपये जाएगा, लेकिन उसके बाद आप दूसरे किलोमीटर गए तो 8 रुपये 15 रुपये में जुड़ जाएंगे, फिर उससे आगे एक किलोमीटर जाओगे तो फिर और 8 रुपये जुड़ जाएंगे, यानी कि अगले हर किलोमीटर के लिए 8-8 रुपये जुड़ते रहेंगे। तो हमें बताना है इस प्रकार जो एक श्रेणी बनेगी वो श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में होगी या नहीं होगी। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। हमारा प्रथम किलोमीटर का किराया दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया है प्रथम किलो मीटर, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है बच्चों 15 रुपये। प्रथम किलोमीटर यानी कि एक किलोमीटर के लिए वो किराया कितना देता है 15 रुपये, और उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर पर किराया, तो यहां पर लिखेंगे अतिरिक्त किलोमीटर पर किराया, अतिरिक्त किलोमीटर पर किराया। अतिरिक्त का मतलब है बच्चों अलावा, इसके अलावा आप जो भी किलोमीटर जाएंगे उसका किराया कितने रुपए है 8 रुपए है, उसका किराया 8 रुपए है। तब यहाँ पर एक श्रेणी बन जाएगी, कैसे, मान लो हमने सबसे पहले हमने वो उस गाड़ी वाले टैक्सी वाले से कहा कि हमें जाना है यहाँ से, सबसे पहला किलोमीटर पार किया तो हमारा कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। मान लो हमें जाना है 5 किलोमीटर दूर जाना है, या 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, आपको कितने भी दूर जाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रथम पद के लिए क्या हो जाएगा 15 रुपये,
फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये और सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15 रुपये में 8 रुपये ऐड होंगे हमारे, क्योंकि अगला किलोमीटर दूसरा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 15 प्लस 8 लिख देंगे बच्चों। फिर अब जब तीसरा किलोमीटर आएगा तो डबल 8 जुड़ जाएगा, क्योंकि पहले 8 तो जुड़ा हुआ था उसमें, अब फिर से 8 रुपये लगेंगे अगले किलोमीटर के लिए, तो क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 8, इस वाले में 8 और जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर +8 और हो जाएगा। अब अगर इससे अगला हम 4 किलोमीटर जाते हैं, 4 किलोमीटर, तो अब ये जो थर्ड वाला किराया है उसमें 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8 और +8 और +8 हो जाएगा, और डॉट 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 इसी तरीके से 100 आप जहाँ तक जानते हैं जाना चाहते हैं वहाँ तक 8 रुपये ऐड होते चले जाएंगे पिछले वाले किराए में। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15 और 15 में 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 23, और यहाँ पर 15 और 8 23 हो जाएगा, और 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा ये हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा हमारा 31 हो जाएगा। अब 31 में यहाँ पर 15 और 8 हमारा 23, 23 और 8 31, 31 में 8 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 39, 39 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार हमारे पास एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं ये जो हमारी श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसका सार्वांतर ज्ञात करेंगे। अगर सार्वांतर हमारा सभी टर्म का सेम आता है तो हमारी श्रेणी कौन सी होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ पर डी वन की वैल्यू निकालते हैं, तो डी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ए टू माइनस ए वन, तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है बच्चों, A2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दी हुई है 23, ये A1, A2, A3, A4 इस तरीके से डॉट डॉट, तो A2 की वैल्यू 23 है तो 23 लिख देंगे, माइनस A1 की वैल्यू 15 है तो 15, तो 23 में से 15 माइनस होगा तो क्या बचेगा 8। अब यहाँ पर निकालते हैं D2 दूसरे सार्वांतर की वैल्यू, तो D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू यानी कि तीसरा टर्म हमारा 31 है तो 31 लिख देंगे, माइनस A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 23, तो 23 लिख दिया, तो ये भी क्या आएगा 8 आएगा। ऐसे ही अगर आप बच्चों D3 की वैल्यू निकालेंगे तो 39 में से 31 माइनस करेंगे तो भी 8 आएगा। तो हमने देखा सब में हमारा जो सार्वांतर था वो 8 ही आया, इसलिए हम लिख सकते हैं ये हमारे पास जो श्रेणी होगी वो किसमें होगी, आर इन ए पी, यानी कि ये स्थिति जो है वो हमारी समांतर श्रेणी के अंतर्गत आती है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास स्थिति दी गई है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो है, कि कोई बेलन हमारे पास दिया गया है और उसके अंदर हवा भरी हुई है, तो अब करना क्या है, जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है उससे वायु निकाल रहे हैं, उसमें जो हवा भरी हुई है बेलन में उसमें से हम क्या कर रहे हैं, हवा निकाल रहे हैं बाहर, और हवा निकालते हैं तो बेलन जब एक बार दबाया जाता है तो वो हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमें बताना है इस प्रकार जो हमारे पास एक श्रेणी बनेगी वो श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में होगी या नहीं होगी। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेंडर है, जो हमारे पास बेलन है, उसमें हवा जो है वो T1 बराबर मान लेते हैं कितनी है, उसको मान लेंगे 1, कितनी है 1/2 है, मान लिया हमारे जो बेलन है उसके अंदर हवा कितनी है 1/2 है। अब करते क्या है, जब उसको हमने पंप के द्वारा दबाया तो उसमें से कितनी हवा निकल जाएगी, 1/4 हवा जो है वो निकल जाएगी, यानी कि हमारा T2 बराबर कितना हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा 1 और माइनस इसमें से कितनी हवा कम हो जाएगी, 1/4 भाग कम हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और माइनस का 1, 4 एकम 4 एक घट जाएगा तो कितना बचेगा ये 3/4, यानी कि T2 बार में हमारी 3/4 हवा जो है वो निकल गई बाहर। अब हम देखते हैं हमारे सिलेंडर में कितनी हवा बची, तो यहाँ पर हवा निकलना कितनी हवा सिलेंडर में से निकल गई हमारी, 3/4 ये निकली और 1/4 पहले, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, तो ये हो जाएगा 3 1 3 और 4 4 16, यानी कि 3/16 हमारी हवा जो है वो सिलेंडर में से अब निकल चुकी है। तो अब वैल्यू किसकी निकालेंगे, अब वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर T3 की, तो T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास जो दिया हुआ है ये 3/4, इसमें से माइनस कर देंगे 3/16, तो 3/4 ये माइनस हो जाएगा 3/16, जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम जो है हमारा क्या आएगा 16 आएगा बच्चों, तो ऊपर 3 है तो ये 4 4 जा 16, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, माइनस 16 बन जा 16, तो 3 बन जा 3, तो हमारे पास जो T3 की वैल्यू आई वो क्या आई, 12 में से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 9/16, तो हमारे पास T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/16। अब यहाँ पर लिखते हैं हवा निकलना, यानी कि कितनी हवा हमारे पास अब सिलेंडर में से निकल चुकी है, तो हवा का निकलना यानी कि हवा हमारे पास कितनी निकल चुकी है 9/16 ये आई, और हमारी 1/4 इसका भाग निकलता है तो कितनी हो जाएगी 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये हो जाएगा 9 * 9 = 16 * 64, यानी कि इतनी हवा हमारे पास अब जो सिलेंडर में से है वो बच्चों क्या हो चुका है, निकल चुकी है। तो इसी प्रकार हम आगे और सॉल्व करते रहेंगे तो बहुत सारे टर्म आते रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि कितने टर्म हमारे पास प्राप्त हो गए। तो हमारे पास बच्चों टर्म क्या क्या आ जाएंगे, सबसे पहला टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास जो श्रेणी है उसका वन, और सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आएगा 3/4 बच्चों क्या आएगा 3/4, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या आएगा 9/16। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 9/16 डॉट डॉट, ये हमारे पास जो है वो एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा सार्वांतर समान है या नहीं है, अगर सार्वांतर समान होता है तो ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे डी वन की, तो डी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी a2 - a1, तो ए टू की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/4, और ए वन की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो डी की वैल्यू क्या आएगी 4 * 4, और 4 में से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा -1/4। इसी तरीके से वैल्यू निकालते हैं डी टू की, तो डी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी a3 - a2, तो ए थ्री की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 9/16, और माइनस ए टू की वैल्यू क्या है 3/4, तो इसका एलसीएम लेंगे हो जाएगा 16, 9 - 4 = 16, तो ये हो जाएगा 4 * 3 = 12, और 12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा -3/16, डी वन की वैल्यू हमारे पास -1/4 आई, और डी टू की वैल्यू हमारे पास -3/16, जो कि हमारा डी वन जो है वो बराबर नहीं है यहाँ पर डी टू के, ऐसे डी टू बराबर नहीं होगा डी थ्री के। तो हमने देखा जब हमारा सार्वांतर समान नहीं है तो ये हमारी जो श्रेणी है वो नहीं होगी एपी में, तो लिख देंगे आर नॉट इन एपी, यानी कि हमारी जो ये श्रेणी बन रही है इस स्थिति की वो समांतर श्रेणी में नहीं है। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट जो हमारा बचा हुआ है उसको आप अपने आप हल करना, और उसकी जो श्रेणी आती है उसको देखना वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, और उसका जो श्रेणी आए उसका आंसर अपना कमेंट सेक्शन में लिखना। और इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।